ये एक बिजनेस लीडर के रूप में तुम लोग सोचना शुरू कर दो। बहुत से बिजनेस आइडियाज होंगे जो तुम्हारे मन में आ सकते हैं, उन आइडियाज को नर्चर करो, खाद पानी बीज धूप दो उस आइडिया को, तुम्हारा वो आइडिया धीरे धीरे डेवलप करेगा, धीरे धीरे डेवलप करेगा। वेरी गुड पॉइंट। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ एक जॉब कैसे मिल जाए, घर में तनख्वाह कैसे मिल जाए, सिर्फ इतना छोटा सोच नहीं रखना है। कर चुके हैं बच्चे, कर रहे हैं बच्चे, सूरज के बच्चे कर रहे हैं, तो तुम भी कर सकते हो। और तुमको वो सारा कुछ यहां देने का बंदोबस्त मैं करूंगा। द मोमेंट ए डिजर्विंग स्टूडेंट इज सीन, ए टीचर इमर्जेस। जब एक अच्छा ज्ञान लेने वाला छात्र मिल जाता है तो शिक्षक खुद ब खुद उसके सामने प्रकट हो जाता है। तुम लोग को वही बनना है, तुम लोग को वैसा ही बनना है। तो मैं ये समझता हूं कि सिमेज में जो बच्चा आया है, वो छात्र जो अपने आप को समर्पित कर रहा है सिमेज में, उसको यहां पर इस तरीके से गुरुजनों का आशीर्वाद मिले, ज्ञान मिले कि उसका रूपांतरण हो जाए। वो अपने आप को जब यहां जैसा आया है और जब यहां से निकले तो एक रूपांतरित ट्रांसफॉर्मेशन के साथ निकले, वो एक नए अवतार में, एक नए स्वरूप में, एक नए पर्सनैलिटी के साथ निकले। रूपांतरण होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेके निकलोगे, सिर्फ और सिर्फ 3 साल बिता के निकलोगे, ये नहीं होना चाहिए। बदलाव हो। तुम्हारे आसपास के लोग पूछे तुमसे कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बदल गया, तुम्हारे बातचीत का अंदाज बदल गया, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे रिएक्शन में बदलाव आ गया। ये अचीव करना आया हमें यहाँ पर, और ये तुमको यहाँ पर तुम्हारे गुरु पुदार सर हैं, जोएल हैं, राजू सर हैं, जितने भी तुम्हारे टीचर्स हैं, वो तुमको, और ये बदलाव ज्ञान से ही आता है, ये ज्ञान से ही आता है। ज्ञान ही तुमको गंभीर बनाएगा और मैच्योर बनाएगा और तुम्हारे पर्सनैलिटी में व्यक्त देगा, तुम्हारे पर्सनैलिटी में गंभीरता देगा। तो आज से ही तुम अपने आप को एक साधारण छात्र के बजाय एक बिजनेस लीडर के रूप में, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में देखना, समझना, सोचना शुरू कर दो। वैसे ही बात करो, वैसे ही बैठो, जैसे एक बिजनेस लीडर बैठता है वैसे ही बैठो, और वैसे ही तुम चलो, और वैसे ही सवाल पूछो, क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछने से डरो नहीं। वेरी गुड पॉइंट। व्हाई डू यू स्टडी? कोई बोलता है जॉब के लिए, कोई बोलता है नॉलेज के लिए, कोई बोलता है। हाँ, मेरा यहां पे मानना है कि तुम यहां पर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेटर पर्सन बनने के लिए तुम उसके लिए पढ़ाई करते हैं हम। अगर हम शिक्षा के साथ बेहतर इंसान नहीं बन पाए तो शिक्षा व्यर्थ है।